सावित्री का व्रत हुआ, बड़ा खुशी से लोग मना रहे थे, महिलाएं कह रही थी 7 जन्मों तक एक ही पति मिले, क्या सेकंड हैंड हस्बैंड सर, क्या हो क्या रहा है? पहले तो सबको हेलो जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग आए, सेकंड हैंड की पूरी टीम से मैं आपका थैंक्स करता हूँ। दोबारा पूछिए। ये टेक पे टेक, टेक पे टेक है पहले से। वापस करेंगे, हाय वेलकम। मुझे ये बताइए, कल ही वट सावित्री का व्रत हुआ था, 7 जन्मों तक एक ही पति चाहिए महिलाओं को, आप सेकंड हैंड हस्बैंड बन रहे हो सर, कैसे? देखो मेरी फिल्म में तो मैं टेक्निकली ये बात बता रहा हूँ, बट जनरली तो आजकल देखती हैं सारे सेकंड हैंड हैं जी घर में जो घूम रहे हैं। ओके तो हमारी जो फिल्म है उसमें असली रूप है जो पतियों का वो दिखाया हुआ है। सो समीप जी हमारे डायरेक्टर जो बैठे हैं, इन्होंने जब मुझे ये फिल्म सुनाई थी, क्योंकि हमने काफ़ी फिल्में पंजाबी में की, बड़े गाने गाए, ऑलमोस्ट 2000 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, तो पंजाबी में बनानी थी ये फिल्म। मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा फ्लेवर है कि इसको हिंदी में बनाना चाहिए कि दोनों ऑडियंस एंजॉय करेंगी। सो बाकी और पूछिए, बताता हूँ जी। मैं पूछूंगा सर, आप तो ऐसे मतलब एकदम तलवार लेके सर मार ही डालोगे एकदम। मुझे पीछे उन्होंने बताया कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, जो पूछे उतना ही बता के फटाफट पूछते रहे। मैं कुछ पूछने नहीं वाला, ऐसे डरा डरा के सर धमका रहे हो यहाँ पे। पतियों की असली हालत अभी जब निकलते हैं ना जी, मुझे पहले ही इन्होंने बोला कि ये बॉम्बे है, बॉम्बे का मीडिया है, डर के थोड़ा ध्यान से बोलना, ये बोलना, सो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ थोड़ा। नहीं बाजी, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं मेरे लिए बड़ी इंडस्ट्री है, मैं पहला मेरा डेब्यू है, सो उम्मीद है कि ये प्यार देंगे, क्योंकि जितना प्यार पंजाबी में मिला है सो होप सो हिंदी में भी उतना ही। जैसा मैंने कहा, यहाँ फिल्म का ही लॉन्च नहीं है, आपका हिंदी फिल्म में लॉन्च है, उसके अलावा टीना आहूजा जी को भी लॉन्च किया जा रहा है जी। तो आपकी गॉर्जियस को-स्टार जो है उनको प्लीज आप ही बुलाइए यहाँ पे स्टेज में जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि गोविंदा जी इनकी फिल्में देखते आए, और ये जो फिल्म है इनके जोन की फिल्म है, जितनी फिल्में हमने इनकी देखी हैं, एक जो कॉमेडी होती थी तो नेचुरली इनको देख के ही मुझे तो हंसी आ जाती है। सो मैंने इनको आज ही बताया, मैं 2005 में पहली बार बॉम्बे आया था, तो मैं एक सड़क पे जा रहा था, तो मैं सबसे पहले बच्चन साहब के, क्योंकि कोई भी आता है तो कहते थे कि ये बच्चन साहब का घर है, सामने ही होता है वो, तो बच्चन साहब के घर पर चला गया कि मिलना है, वो मिले नहीं, फिर पाजी के तरमपा जी के घर में गया था, उस पाजी आउट ऑफ टाउन थे शायद, ये भी नहीं मिले। सो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे रोड पर ही सर जी मिल गए, गोविंदा जी। सो मैंने इनको बताया कि 2005 में मिला था, सो आज मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपकी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां फॉर टीना आहूजा। टीना वेलकम। टीना बगल में देसी कलाकार और यहाँ पे इतना सारा प्यार, व्हाट डू यू हैव टू से? थैंक यू गॉड। हो जाए कि ऐसा अवार्ड वाला हो जाए, बिकॉज़ कुछ तो अवार्ड मिलेंगे इसके लिए, आई एम श्योर। क्या अवार्ड वाली स्पीच हो जाए, थैंक यू स्पीच। थैंक यू सो मच आप लोग सब यहाँ पे आए, मैं बहुत नर्वस हूँ, बिकॉज़ आई हर्ड दैट द मीडिया इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट अरे कैसी इमेज बन रही है यार। सो आई एम गोना थिंक अ लॉट बिफोर सेइंग, बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों की आज्ञा से ट्रेलर दिखा दिया जाए या नहीं? नहीं, ट्रेलर से पहले हम पाजी का आशीर्वाद लेंगे जी, धर्म पाजी का। सो गोविंदा जी आए हैं, प्लीज थैंक यू सो मच पाजी, प्लीज आशीर्वाद यहां पे, जोरदार तालियां प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं मेरे साथ है तो मैं तो हमेशा जवान रहूंगा जी। अनुभव अच्छा रहा, आप लोगों ने, मीडिया ने मुझे गरम धर्म नाम दिया है और आप ही जिम्मेदार हैं, और इस फिल्म में मुझे आपका गरम धर्म और गरम हो गया। धर्म जी, धर्म जी, धर्म जी इधर, यहाँ धर्म जी, धर्म जी थे, आप सबको सत श्री अकाल, गिप्पी जी आपको भी सत श्री अकाल, हम सब की तरफ से, पूरी मीडिया की तरफ से सत श्री अकाल, और बहुत वेलकम आपका बॉलीवुड में। मेरा सबसे पहला सवाल धर्म जी आपसे है कि आप इसी तरह हमेशा हेल्दी रहें, हम सब की यही दुआ है। मैं पहले से कह चुका हूँ, ये आपके दिलों से निकली जो दुआएं हैं ना, वो सुनता है, और आपकी दुआएं मेरी शक्ति है। मैं प्यार देना जानता हूँ, प्यार लेना जानता हूँ धर्म जी। आप बोलिए, सॉरी जी जी बोलिए।
करण जी, आपकी कॉमिक टाइमिंग हमने हमेशा एंजॉय की है, भले वो यमला पगला दीवाना में हो, इस बार जो आपका रोल है वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताइए, इसमें भी आपने कुछ ऐसे कुछ किए हैं, नॉटी वन लाइनर्स है आपके, और क्या आपने गिप्पी गरीवाल को भी नो ऐसे किया है, आपने सपोर्ट किया है इसमें? सबसे पहले तो मैं गिप्पी और बिटिया को दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ, इनके लिए ये फिल्म जरूरी है, बड़ी भी हिट होनी, मालिक करे ये हिट हो। मैं टिप किसी को नहीं देता, मैं हर किसी से सीखता हूँ, और सीखने में मज़ा आता है, सिखाने में मज़ा नहीं आता, हर घड़ी सीखता हूँ। टाइमिंग तो मेरा कॉमेडी का है ही, आपने शायद चुपके चुपके देखी होगी, चुपकर प्रतिज्ञा देखी होगी, और वो टैंकी पे चढ़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, बड़ा कुछ कर चुका हूं मैं। इसमें एक अच्छा रोल है, बैठी हैं दो मेरे पास, मेरा रोमांस इनसे ही है, और मुझे लगता है ये फिल्म समीप ने बड़ी काबिलियत से बनाई है, और मेरी दुआएं इसके लिए भी, और मुझे लगता है फिल्म में काफ़ी दम है, और मेरी मैं चाहता हूं कि अमोलक सिंह जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, जो अमेरिका से इसे प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ आए हैं, वापस ना जाएं, और अच्छी अच्छी फिल्में इस तरह बनाते रहें, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक जन्नत है, जन्नत में जो भी नया चिराग जलाता है उसकी लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए। गिप्पी जी, मेरा आपसे सवाल है, गिप्पी जी मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन सवाल से पहले मैं आपसे कुछ, आप पूरी टीम को कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही शुभ अवसर पे आज इस मूवी की शुरुआत की है, ट्रेलर दिखाया, आज श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पूर्व भी है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मेरा सवाल आपसे ये है गिप्पी जी, कैसा रहा बॉलीवुड में आके आपके काम करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फ़र्क है पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में और हिंदी मूवी इंडस्ट्री में? जी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का ही फ़र्क है, और वो भी मुझे लगता है कई बार क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू नहीं था हिंदी के लिए, तो बाकियों को तो अच्छा ही लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को लगा कि मैं हिंदी ठीक नहीं बोलता, मतलब वहाँ पे तो मैंने बहुत ध्यान से डबिंग की है। हेलो जी, फ़र्क इतना ही है जी, बस पंजाबी फिल्म करता ही, पंजाबी करता था तब भी थप्पड़ पड़ जाते थे, हिंदी करता था तब भी पड़ जाते, फ़र्क कोई नहीं है जी, वही चीज़ है सारा कुछ, वही कैमरे हैं, वही बंदे हैं। नामकरण नहीं है बट ये मेरा एक पेट नेम है जो मेरे दोस्तों ने मुझे दिया था, और जब मैंने ये फिल्म की नरेशन और मैंने इनको बताया कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ सेकंड हैंड हस्बैंड और ऐसा स्क्रिप्ट है उस फिल्म का, तो उन लोगों ने बोला दैट नर्मदा को छोड़ो, अभी टीना से ही शुरुआत करो, सो दैट्स द होल रीज़न बिहाइंड इट। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर फादर नॉट लॉन्चिंग यू इन अ बिग वे? Launching? How bigger than can this be? I've got Darmande with me. What else would I ask for? And I've got such an amazing director to work with, and he does the kind of films I always wanted to get launched with. I don't think this could have got even better. Govinda family se main jab se mere khayal se kafi arse se juda hua hu. ये फैमिली मुझे ज़्यादा ही प्यार करती है, और मैं भी इनको बहुत प्यार करता हूँ, और जब ये पहली दफ़ा आई सेट पे तो मुझे लगा गोविंदा की नहीं तो वैजयंती माला की बेटी लगती है बहुत खूबसूरत बच्ची है, बहुत दिल से काम किया इसने, बहुत सारी दुआएं हैं इसको, भगवान इसको खूब खूब तरक्की दे। नहीं, सलमान जी ने कभी, सलमान खान के साथ कभी मेरा डेब्यू नहीं होने वाला था, इट वाज ऑल अ रूमर, एंड विजेंद्र जी, विजेंद्र सिंह के साथ यस इट वाज गोइंग टू हैपन, बट देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज विद द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, सो द मूवी डिडंट हैपन। द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर। आजकल जमाना
सिनेमा का युग बदल चुका है और रियलिस्टिक सिनेमा का ज्यादा जोर हो रहा है, तो आपको लगता है कि फैंटेसी का चलेंगी मार्केट में कैसे चल पाएंगे? नहीं नहीं, ये जरूर चलेगी और हर 6 महीने में जमाना बदलता है, तो रियलिस्टिक भी है, जहाँ पे क्वीन भी चल रही है, तनु वेड्स मनु भी है और पीकू भी चल रही है, कलरफुल सिनेमा है सबके अलग अलग, और अभी बहुत इससे अच्छा सिनेमा का समय हिंदुस्तान में नहीं आ सकता, तो ये सिनेमा बहुत चलेगा क्योंकि इसमें थॉट बहुत नया है, एकदम एक नए तरीके की कहानी है जिसमें सेकेंड हैंड हस्बैंड है, और आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया, टीना फ्रेश लग रही हैं, गिप्पी बहुत अच्छे नेशनल एक्टर हैं, धर्म बाजी हैं, तो सारे लोग जितना ये स्टार कास्ट है सब लोगों ने एकदम इसमें लीन हो गए, और धन्यवाद दूंगा समीप बाबू को, समीप कांग जी के, उन्होंने एकदम सबको एकदम निचोड़ के काम निकलवाया है, तो हम लोगों का पूरा जूस गया। गीता जी, आप किस तरह से देखती हैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट को इस फिल्म को? गुड इवनिंग एवरीवन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बीन एन ऑनर टू वर्क विद धर्म जी। आई मीन कोई भी आर्टिस्ट जो काम करते हैं लेजेंड्स के साथ जब काम करते हैं बहुत सीखते हैं, एंड समीप और मैं बहुत टाइम से हम साथ काम करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, एंड देन ही केम विद दिस स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, इन फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू समवन एल्स अबाउट दिस अर्लियर, दैट ही ऑफर्ड मी अनदर रोल एंड आई सेड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई सेड आई वांट टू डू नेहा, आई लव द कैरेक्टर, दिस इज समथिंग आई बीन वांटिंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बिल्कुल पंजाबन बिंदास लड़की है, and the best thing about this film is everyone has an amazing role, everyone comes together, everyone har bande ki alag alag kahani chal rahi hai, and yes it's been a quite a while jab se last time I screen pe thi, but that's because I wanted to do something that mera you know change ho sakta hai, logo ka perception alag ho sakta hai, aur jo main jaungi theater pe मूवी देखने मुझे भी पसंद आनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिल्म, कॉमेडी बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी स्पेशली व्हेन यू हैव एन एक्सेंट और यू नो यू हैव टू गेट इनटू अ प्रॉपर पंजाबन देसी कैरेक्टर, तो दिस फिल्म आई होप विल चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट मी कि मुझे कॉमेडी भी आती है एक्टिंग भी आती है, एंड I mean, it's been a great honor to work with everyone on this film. I think it's great songs. Gippy has sung really well. And yes, I hope you liked it. And I hope you liked the trailer. Meena ji. Mera sawal hai Sameep Khan se, Zakir Sisodia from Makrana Magazine. पोस्टर में आपने दिखाया है कि चीज़ों की टीवी फ्रिज इन सब की सेकंड हैंड प्राइस कम करके लिखा आपने, सेकंड हैंड हस्बैंड की प्राइस क्यों नहीं लिखा आपने? सेकंड हैंड हस्बैंड की क्या प्राइस होती है जी? सर हस्बैंड तो कोई नए को नहीं लेता आजकल, आप सेकंड हैंड की प्राइस ढूंढ रहे हो जी, मैं तो फ्री में ही है जी, कोई फ्रिज व्रिज लोगे उसके साथ चला जाऊँगा ऐसी। टीना, हाय टीना, टू योर लेफ्ट टीना, यह आनंद है टीना। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे स्टार किड हैं जिन्होंने अपनी काफ़ी जगह बना ली है, स्टार बन चुके हैं, और काफ़ी ऐसे स्टार किड भी है जो अब तक स्टारडम तलाश कर रहे हैं, तो एक स्टार किड होने के नाते आप कितने जिम्मेदारियां अपने ऊपर महसूस करती हैं? बहुत सारी जिम्मेदारियां सॉरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टार किड को वही काम करना चाहिए जो जो काम करते हुए उन्हें पसंद आए, एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल डूइंग दैट प्लीज़ डोंट डू इट, दैट्स एटलीस्ट माई वे ऑफ थिंकिंग। मेरा सवाल गोविंदा जी से है, गोविंदा जी मैं चाहूंगा आप भी दो शब्द बोलें, आज का दिन काफी खास है आपके लिए। आलोक फ्रॉम ओएएफएम। अच्छा अच्छा कहा यहाँ से गोविंदा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आलोक हियर फ्रॉम ओएएफएम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जी जी पहले तस्वीरें, हाँ जी, ये पल जो है आपके सामने टीना बैठी हैं और फिल्म पूरी हो चुकी है, रिलीज भी होगी, ये क्षण एक पिता के रूप में किस तरीके से देखते हैं? मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस तरह मैं कामयाब हुआ मम्मी के आशीर्वाद से, मेरी ये प्रार्थना है कि नमो वैसे ही कामयाब हो, और ईश्वर से हर सुख प्रदान करे। आप कह रहे थे कि गोविंदा की बेटी है तो इससे पहले गोविंदा ने कैसे फिल्म नहीं बनाई।
मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर चाहता है वो कभी गलत नहीं होता, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका अंजाम कभी खराब नहीं होता। ये ज़्यादा अच्छा रहा कि आदरणीय धर्म जी के साथ उसका करियर शुरू हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है इतने साल हो गए, वर्षानुवर्ष हो गए, क्या क्या हीरो आए हैं और क्या कमाल किया है। जो आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं, आप लोग मुझे कहिए ऐसा कहीं हीरो आप लोगों को नज़र आया, और जो है वही है और ऐसे कमाल है कि प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और ये माई से प्रार्थना करता हूँ कि उद्दंड आयु प्रदान करें और आपकी ऐसी कृपा सदैव रहे। वो बच्चों की तरह मुझे प्रेम करते हैं। जिस वक्त मेरे करियर का शुरुआत हुआ तो मेरा तो कोई गॉडफादर था नहीं, मैंने मेरा करियर ऐसे ही शुरू किया था। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी इनके साथ मुलाकात सड़क पे हो गई, वैसे ही कई समय मैं जो हूँ, मेरे पास तो रिक्शा और टैक्सियों के पैसे भी नहीं होते थे। और उसके बाद जिस वक्त करियर शुरू हुआ तो 48 फिल्में साइन की। लोग कह रहे थे कि 48-49 फिल्में गोविंदा साइन कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि ये वक्त ये काम नहीं कर रहा होगा तो फिल्म लाइन बंद हो जाएगी, ऐसा समय था। तो ये सब ईश्वर करते हैं और वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बहुत कमाल रहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं, आपके जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। और समीप आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और गिप्पी आप सब और ख़ास तौर पे आदरणीय धर्म जी के लिए तो मैं सदैव ऐसे ही रहा हूँ। धर्म जी आपसे आज दो लाइनें तो बनती ही हैं क्योंकि आप अक्सर मौकों पे कुछ ना कुछ खास। नहीं, मैं पहले गोविंदा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक फिल्म थी लाठी, वो बनी नहीं थी, सीधा बना रहे थे तो मेरा सीन था कि इसको मैं जैसे मेरा हाथ देखे हंस पड़े ये हाथ पकड़ के बैठ जाए, रिटेक पे रिटेक होने लगे, कहते पाजी में तो आपका हाथ देख के कुछ होता है इतना प्यारा बच्चा है, तब से जुड़ा हुआ मेरे साथ, हमेशा मेरी तारीफ करता है। एंड आई लव दिस फैमिली वेरी मच। अब धर्म जी वो दो लाइनें जो आप अक्सर देते हैं इन आज के दिन भी, अगर आप सुना दें। चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, और पहुंच कर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें क्या उठे वाह गूंज, वाह वाह की फिर गूंज उठे यहां वहां कहां कहां, गूंज से वाह वाह की इनकी नम्रता में नम्रता और आ जाए, ये रुक जाएं पलट कर झुक जाएं, करें अदा शुक्राना हर किसी का, और रुकेंगे जो फिर दुआ देने के लिए, चलेंगे दुआ देते हुए, चलते रहो बच्चों ये मंजिल तो पड़ाव है तुम्हारे लिए। मैं मैं फिल्म लाइन से संबंधित जितने जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है, मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपको जो ईश्वर से मिला है और आप आपके जो मूल तत्व हैं ज़िंदगी में वो वहीं रहते हैं तो आप कमाल रहते हैं। उसका उदाहरण जो है आप लोगों के समक्ष है धर्म जी। और जो अच्छे दिल के होते हैं वो लोगों का अंजाम कभी ख़राब नहीं होता। अच्छा दिल जो है उसके चेहरे जो है ऐसे ही चमकते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं तो सब सही है, आप गलत नहीं हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। धर्म जी धर्म जी, इट्स ग्रेट टू नो यू नो यू आर कीपिंग क्वाइट वेल नाउ।
what keeps you going even at this age? What is that one thing that keeps you going even at this age? You see, I always feel that I'm a newcomer. Aaj bhi main newcomer hoon. Aaj bhi main